डॉक्टर साहब, शुभ्रा ठीक तो है ना? At present, ऐसी कोई खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन इनकी हालत इतनी अच्छी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम इन्हें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। ये सब बच्चे पे इफेक्ट कर सकता है। आपके ब्रदर इन लॉ मेडिसिन लेने गए थे, काफी देर हो गई। जी, मैं अभी पता करती हूँ। अब जी, उसे अकेले जाने क्यों दिया आपने? बेटा, मैंने तो कहा था साथ चलने के लिए, लेकिन वो मानी नहीं। बोली मंदिर तक जाना है, आपके साथ आने की जरूरत नहीं है। ये लड़की भी इतनी जिद्दी है ना, दूसरों का नहीं, कम से कम अपना तो ख्याल रखे। न जाने ये बात को कब समझेगी। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। बेटा नील, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। नील, सलोनी बोल रही। हाँ सलोनी, बोलो। कहाँ हो तुम? दवा लेकर कब आ रहे हो? तुम शुभ्रा को लेकर डॉक्टर रस्तोगी के नर्सिंग होम नहीं आए? नर्सिंग होम नहीं, मैं तो घर पर हूँ। क्यों, बात क्या है? शुभ्रा ठीक तो है ना? हाँ, मैं शुभ्रा के साथ हूँ। वो बेहोश है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, तुम बस जल्दी आ जाओ। अब ओके, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? अब जी, मैं नर्सिंग होम जा रहा हूँ। अगर नील घर पर है तो शुभ्रा को यहाँ कौन लेकर आया? कौन उसके लिए दवाइयाँ लेने गया?